तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करें जिसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हम इस चीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हेडिंग लगा लीजिए आप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। जैसे टाइम के मायने क्या होते हैं, टाइम का मतलब होता है वक्त, टाइम का मतलब है वक्त, जो कि मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस हिसाब से मैं आपकी मदद कर रहा हूं आपका भी बहुत अच्छा चलेगा। टाइम मतलब वक्त, समय। स्पीड मतलब चाल। चाल की अभी अगर बात करें तो मेरी सवाल करने की बहुत ज्यादा है, आपकी थोड़ी कम है, लेकिन कुछ दिनों में मेरे बराबर आ जाएगी। डिस्टेंस की बात करें, दूरी। दूरी हम जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा घंटों काम नहीं करेंगे तो शायद नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये दूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है क्या क्या नहीं है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। सबसे पहले जो काम की बात है वो क्या है कि डेफिनेशन क्या है, स्पीड की डेफिनेशन क्या। पूरा का पूरा चैप्टर एक डेफिनेशन और तीन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। ठीक है, पूरा चैप्टर क्या क्या, स्पीड की बात करते हैं भाई। स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस। आपको लग रहा होगा यार ऐसे डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं, लेकिन पूरे टॉपिक इसी पे डिपेंड है। जब तक हम किसी चीज की कोर को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। जैसे एक घंटे में चली दूरी, चली दूरी। दूसरा, एक मिनट में चली दूरी। एक सेकंड में चली दूरी को हम स्पीड कहते हैं। जैसे कोई अगर मुझे कहता है कि एक आदमी 5 घंटे में 300 किलोमीटर गया, एक आदमी 5 घंटे में 300 किलोमीटर गया, इस बात का मतलब है कि भाई वो एक घंटे में 300/5 60 किलोमीटर गया। तो ये 60 किलोमीटर बराबर स्पीड है। कोई अगर मुझे कहता है कि यार 100 सेकंड में कोई 600 मीटर गया, तो एक सेकंड में कितना जाएगा, 6 मीटर जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। ठीक है, ये हमने जाना कि भाई स्पीड क्या होती है। अब स्पीड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम स्पीड के यूनिट की बात कर लेते हैं। भाई स्पीड की यूनिट क्या होगी, आपने दो एग्जांपल में देखा कि एक बार मीटर पर सेकंड थी और एक बार किलोमीटर पर आवर थी। तो यूनिट स्पीड की क्या रहेगी, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे कि एक किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज करें, इसका मतलब है कि भाई एक किलोमीटर अपॉन एक आवर, यही मतलब है। एक किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, एक आवर का मतलब 3600 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होते हैं। तो मैं बहुत बेसिक सी बातें नहीं बता रहा हूँ, या ऐसा सवाल मैं नहीं करा रहा कि भाई डिस्टेंस और टाइम दिया है, स्पीड पूछिए, स्पीड टाइम दिया, डिस्टेंस पूछिए, या केवल किलोमीटर पर आवर दिया है 54 उसको चेंज करा रहा है मीटर पर सेकंड में। ऐसे बेसिक सवाल कराने का कोई पर्पज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए कॉन्सेप्ट वन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वन क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर एक, ठीक है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वन ये है, देखो पूरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पूरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में या तो किसी भी सवाल में डिस्टेंस सेम होगी या किसी सवाल में टाइम सेम होगा, और कोई बहुत रेयर सवाल आएगा जिसमें स्पीड सेम होगी। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि भाई टाइम सेम है। अब आप सोचोगे इसका मतलब क्या है, टाइम सेम है, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है।
टाइम सेम है, यानी कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है, मिलन का समय हमेशा इक्वल होता है, मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम, मीटिंग टाइम हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। कैसे होता है देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे एक बंदा यहां से चल रहा है, कोई 10 बजे चल रहा है, एक बंदा ए से 10 बजे चल रहा है, दूसरा बंदा भी बी से 10 बजे चल रहा है, और मान लेते हैं कि ये रास्ते में कहीं पे मिलेंगे और यहां पे एक बज रहा है, एक बजे की बात है। अब आप मुझे बताइए कि पहले वाले बंदे ने कितना चला, 3 घंटे चला, दूसरे वाले बंदे ने कितना चला, 3 घंटे चला, दोनों ने इक्वल टाइम चला या नहीं चला। जब भी कोई दो बंदे मिलते हैं, चाहे तो वो टूवर्ड्स ईच अदर हो चाहे मूविंग इन सेम डायरेक्शन हो, टाइम हमेशा सेम होता है। अगर टाइम सेम हुआ तब क्या होगा, देखो आप, अगर टाइम सेम हुआ, मान लेते हैं एक बंदा ए से चला और उसने डिस्टेंस चली है D1 और उसकी स्पीड है S1 और टाइम उसने लिया है T, एक बंदा बी से चला था और यहाँ पे इसको मिला है डिस्टेंस D2 चली है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, आप खुद मुझे बताओ डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ से चला आगरा पे हम मिले, एक बंदा लखनऊ से चला तो भी हम आगरा पे मिले, हो सकता है लखनऊ वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की हो, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर हम डिस्टेंस देखें तो आप पाएंगे यहाँ से कि D1 बराबर होगा S1 × T और यहाँ से D2 बराबर होगा S2 × T। अगर मैं दोनों को भाग कर दूं, यहीं पे लिख लेते हैं एक साथ ही D2 बराबर S2 × T, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो T से T कट जाएगा, यानी कि D1/D2 बराबर होगा S1/S2, D1/D2 बराबर होगा S1/S2। तो आपने ये देखा कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है, इस बात को आप अलग से लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के, नहीं डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा या बराबर होगा, एक ही बात है, ठीक है। टाइम जब सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे सवाल कैसे कैसे आएंगे, हम कैसे इस कॉन्सेप्ट का सवालों के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं दो सवाल पहले नॉर्मल से ले रहा हूँ, फिर हम और सवाल बढ़ाएंगे, पूरे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। मिटा दे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक में बहुत छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में हम ऐसा एडिट करेंगे कि हमें सवाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज के सेशन में मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप समझेंगे, ठीक है। क्या सवाल था भाई, सवाल है हिंदी में मैं बोल दूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ए पुलिसमैन सॉ ए थीफ एट ए डिस्टेंस 200 मीटर एंड स्टार्ट टू चेज। इसका मतलब है कि एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। स्पीड ऑफ पुलिस, दोनों की स्पीड दे रखी हुई, स्पीड ऑफ पुलिस एंड थीफ आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों की जो स्पीड है, पुलिस और चोर की 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी तभी वो उसको पकड़ पाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड By thief before arresting, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं यार, हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, 12 और 10 का गैप लेते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है, 200 को भाग करते हैं, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि हम इन सवालों में क्या करते हैं कि भाई हम यूनिट के पीछे पड़े रहते हैं,
तो यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई सवाल नहीं होगा ट्रेन को छोड़ के, जहां पे हमें 5/18 या 18/5 करने की जरूरत पड़ेगी। आप इसी सवाल में देखो, आप बताओ भाई, ये पुलिस थी, ये पुलिस और ये थीफ था, और 200 मीटर की दूरी थी, 200 मीटर की दूरी। मान लेते कि यहाँ इसने इसको पकड़ लिया, यहाँ पे जाके आप मुझे बताओ, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया था, एक साथ ये इसको मिलेगा, तो टाइम सेम होगा या नहीं होगा? अगर टाइम सेम है, अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस बाई पुलिस डिस्टेंस बाई थी बराबर होगा स्पीड बाई पुलिस स्पीड बाई थी, इक्वल होगा। दोनों की स्पीड कितनी, इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 10। अब आप खुद मुझे देख के बताओ कि ये इससे कितनी दूरी ज्यादा चल रहा है, ये इससे दूरी ज्यादा चल रहा है 2। सवाल में कितना दिया हुआ है, 200, यानी 2 को 200 बनाना है। क्या करना है, बस 2 जीरो चुपकानी है, इधर भी चुपका दीजिए और इधर भी चुपका दीजिए। इसका मतलब चोर कितनी दूरी चलेगा, 1000 मीटर, ये कितनी दूरी चलेगा, 1200 मीटर। बहुत आसानी से हम दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल में दूरी पूछी है तो ये एकदम बेवकूफी वाली बात है कि पहले हम रिलेटिव स्पीड से टाइम निकाल रहे हैं, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अगर हम पेपर में टाइम फिल करेंगे तो 200 नंबर हमारा टारगेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चोर इतनी चलेगा, अगर आपको यहाँ पे टाइम ही पूछ ले स्पेशली तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ये 1 किलोमीटर चल रहा है और इसकी ये स्पीड है 10 किलोमीटर, यानी कि 1/10 6 मिनट का टाइम लगाएगा इसको पकड़ने में, टाइम भी निकाल सकते हैं। यही सवाल एक तरीके से और आ सकता है, आप देखो बहुत ध्यान से मैं बताता हूँ किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि सवाल में भी हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, जैसा कि एक पुलिसमैन ने एक चोर को 700 मीटर की दूरी से देखा और पुलिस जो है वो 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ सकती है और चोर जो है वो 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ सकता है। तो इसने ये पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई रिलेटिव स्पीड लगाना बहुत मुश्किल काम है। अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा कि भाई अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पे टाइम कैसे सेम है, जैसे ये पुलिस है और ये चोर थी, दोनों के बीच की दूरी 700 मीटर है। अब मान लेते कहीं यहां जाके इसने इसको पकड़ा होगा, तो दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया था और दोनों एक साथ मिले होंगे, यानी कि टाइम सेम है। और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस बाई पुलिस और डिस्टेंस बाई थी बराबर होगा स्पीड बाई पुलिस स्पीड बाई थी। अब स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड निकलती है पुलिस की स्पीड है, क्योंकि 4.7 किलोमीटर कितनी देर में दौड़ता है, 34 मिनट में, ये इसकी स्पीड है। ये कितनी देर में दौड़ता है, 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है। तो अब आप देखेंगे कि यूनिट से कोई मतलब नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट 4.7 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर कट गया, मिनट से मिनट कट गया, यानी कि रेशियो आ गया 41/34 रेशियो आ गया। दिख रहा है यहां तक, क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये 41/34 रेशियो डिस्टेंस का आ गया, मैं ये कह सकता हूँ कि इसने डिस्टेंस चलिए 41, इसने 34 चलिए, कितनी ज्यादा चल रहा है ये इससे, 700 ज्यादा चल रहा है और यहाँ पे 7 ज्यादा चल रहा है, यानी कि 7 की वैल्यू 700, 2 जीरो चुपकानी है तो चुपका देंगे, ये 4100 चलेगा, ये 3400 चलेगा, मतलब कि 3.4 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा चोर जब तक पकड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके के चोर सिपाही के सवाल में तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना ही करना है। और हम किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 लिखिए, मिटा रहा हूं मैं इसको। ये सारे कंसेप्ट अगर आ जाएंगे आप मौखिक करेंगे, जैसे आपने देखा होगा मैंने ACIO वाली वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जो भी सवाल आए, 4-5 सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आए, हर सवाल में रेशियो लग रहा है और एक एक लाइन में सवाल हो रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए, कैसे सवाल में हम और इसे यूज कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 60 किलोमीटर, सवाल में ये दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। टू पर्संस पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए विद द स्पीड, या स्पीड नहीं लिख रहे, टू पर्संस पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए साइमल्टेनियसली फॉर बी। इसका मतलब है कि दो बंदे पी और क्यू
एक साथ निकलते हैं बी के लिए, ए से स्पीड ऑफ पी, स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ क्यू। इसका मतलब है कि जो पी की चाल है वो क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो आप मुझे खुद बताओ कि भाई अगर पी की चाल कम है और क्यू की ज्यादा है तो क्यू पहले पहुंचेगा, तो यही लिखना है कि क्यू रीच्ड एट बी, क्यू रीच्ड एट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट पी फ्रॉम द डिस्टेंस 12 किलोमीटर फ्रॉम बी। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ पर्सन, दोनों पर्सन की स्पीड पूछ रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ पी एंड क्यू। पहले सवाल सुन लो, सवाल ये था कि ए और बी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, दो बंदे हैं पी और क्यू, एक साथ निकलते हैं ए से बी के लिए, क्योंकि पी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है क्यू से, इसलिए क्यू पहले पहुंच जाता है बी पे और वापस लौटता है, और पी को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है, तो दोनों की स्पीड पूछ रहा है। देखो कितना आसान सवाल है, अगर हम ये कंसेप्ट इसमें लगाए तो कुछ नहीं करना, आप सवाल नोट कर लीजिएगा, देखिए क्या कंसेप्ट लगाना है जो भी हमने पढ़ा। जैसे ये ए और बी है, ये पॉइंट ए है और ये बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक है। पी और क्यू स्टार्ट कर रहे थे, ये पी था ये क्यू, क्यू क्या है यहां पे पहुंचता है और वापस यहां आके पी को मिलता है, ये पी ये क्यू। आप बताओ दोनों एक साथ चले थे और एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि टाइम सेम है, जितना टाइम पी ने यहां तक पहुंचने में लिया है उतना ही टाइम क्यू ने यहां तक पहुंचने में लिया होगा, और ये डिस्टेंस दे रखी है 12 किलोमीटर। अगर टाइम सेम है, पी ने कितना चल दिया होगा 48 किलोमीटर में, टोटल 60 है, अगर टाइम सेम है तो हम ये कह सकते हैं भाई स्पीड पी का रेशियो और स्पीड क्यू का रेशियो डिस्टेंस पी और डिस्टेंस क्यू के बराबर होगा। पी ने कितनी डिस्टेंस चली है 48 किलोमीटर, क्यू ने कितनी डिस्टेंस चली है 72 किलोमीटर, तो ये कह सकते हैं रेशियो आ गया 2/3 का। एक और चीज आप यहां पे ध्यान दो, अगर ये 60 किलोमीटर में नहीं भी होता, ये मील में होता, फर्मी मीटर में होता, किसी में भी होता ये, तो भी हम आंसर निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाना था। अब हमें ये दिया हुआ है कि भाई ये इससे एक कम है, यानी कि एक की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि सवाल में पी की चाल क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, एक की अगर 4 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, 3 की कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड निकल आई, देख सकते हैं 12 और 8। मौखिक भी मैं इस सवाल को कर सकता था, कैसे मुझे पता चल जाता उसने 12 पे मिला, इसका मतलब 48 चली है, उसने 60 12 72 चली है, तो 2-3 का रेशियो है, 1 कम है 1 4 के बराबर है, 2 8 के 3 12 के। आप देखेंगे कल को ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में ये 12 पूछ ले कितनी दूरी पे मिले थे, तो हमें दोनों की स्पीड देगा, स्पीड का रेशियो निकालेंगे, वहां से डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। बात आ रही है, नहीं समझ, एक सवाल हम ले लेते हैं ऐसा भी, ठीक है मिटा दें इसको। एक सवाल हम ऐसा भी ले लेते हैं, आया हुआ है पेपर में इसीलिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 96 किलोमीटर, टू पर्सन पी एंड क्यू हैविंग स्पीड Having speed 50 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों बंदे स्टार्ट करते हैं, एक 50 की स्पीड से एक 70 की स्पीड से। अब जो Q है वो पहले पहुंच जाएगा, तो Q reached at B and returned immediately वापस लौटता है and meet P at a distance
x किलोमीटर फ्रॉम b, फाइंड x. अब की बार सवाल उल्टा पूछ लिया कि भाई सवाल क्या है, उल्टा पूछ लिया कि a और b के बीच की दूरी 96 है, इनकी स्पीड कितनी है 5 और 7, तो अब ये कह रहा है कि ये इसको कितनी दूरी पे मिलेगा ये बताना है. ठीक है, अब देखो इस सवाल में इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे. फिर से ए बी बना लेते हैं. ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर. ठीक है, पी यहां से चल रहा है और क्यू यहां पे इसको आके मिल रहा है और ये दूरी एक्स है और इसी के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, नहीं भी देता एक्स, सी दे देता कि सी पे मिलते हैं तो फाइन बी सी बताओ, ऐसा हो सकता था. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई डिस्टेंस ऑफ पी डिस्टेंस ऑफ क्यू बराबर होगा स्पीड ऑफ पी स्पीड ऑफ क्यू, यानी कि ये 50 और ये 70 है तो रेशियो आ गया 5/7 का. मतलब कि पी ने कितनी चली है 5, क्यू ने कितनी चली है 7. तो तुम मुझे बताओ कि यहां तक पी ने 5 चली होगी और टोटल 7 चली है, तो ये कितनी है, एक जाने में और एक आने में, तभी तो 7 बैठेगी. मतलब मुझे इस एक की वैल्यू निकालनी है और टोटल कितनी है 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में. आप मुझे बताओ अगर 6 की वैल्यू 96 है तो इस 1 की कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर. ये इस सवाल का उत्तर है कि वो कहाँ पे मिले होंगे, 16 किलोमीटर पे मिले. ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें हम इन कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं. और दो सवाल देखते हैं, उससे आपको और ये बात क्लियर होगी. ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं. दो सवाल से आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, इस कंसेप्ट के बेसिक को समझ जाएंगे, उसके बाद हम सवाल और भी करेंगे. लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं उनको आप समझ जाओ 4-5 एग्जांपल के थ्रू, फिर हम बहुत सारे सवाल मिक्स बना के करें जिसमें एक सवाल में हो सकता है दो कॉन्सेप्ट लगे. ठीक है, बात आ रही है ना समझ, अच्छा लग रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक सवाल लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 हो जाएगा. ए पर्सन कैन ट्रेवल a certain distance in 30 hours. एक आदमी एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में चलता है. If यदि he decrease his speed by 1/15, आए हुआ सवाल है SSC में, then he would cover 10 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन तो मैंने इतनी सी बात बताई भी कि एक आदमी है जो एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में चलता है, अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 से घटा दे तो वो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चल पाएगा. तो वो कितनी आसान सी बात है कि सवाल में खुद ही बोल दिया कि सेम टाइम है, सेम टाइम सेम जगह अगले हु दिन, याद है ना गाना, बहुत पंजाबी सॉन्ग है एक बहुत फेमस. तो सेम टाइम है, अगर सेम टाइम है इसका मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा स्पीड रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल होगा. तो आप बताओ स्पीड के बारे में इसने क्या बोला, इसने बोला भाई स्पीड 1/15 कम कर दी, यानी 15 पे 1 कम कर दी, कितनी होगी 15 से 14, तो डिस्टेंस भी क्या होगी 15 से 14 हो जाएगी. कितनी कम चल रहा है 1, सवाल में बोल रहा है कि भाई 1 नहीं 10 कम चल रहा है, यानी 1 की वैल्यू 10 है तो 1 जीरो चिपका देंगे बस. मतलब नॉर्मली ये आदमी 150 किलोमीटर चलता था कितने घंटे में, 30 घंटे में. अगर एक इंसान 30 घंटे में 150 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा 5 किलोमीटर, यही उसकी स्पीड है. 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं. बोलो बात आई नहीं, आई समझ, सवाल में खुद दिया हुआ था कि भाई टाइम सेम है. हमने कहा अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, तो 15/14 तो डिस्टेंस भी कितनी होगी 15/14, 1 कम 1 की वैल्यू 10, 15 की 150 140, तो 30 घंटे में 150 चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा 5 किलोमीटर, ये उसकी स्पीड है. आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं आखिरी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बाकी के सवाल अगली क्लास में देखेंगे, मिटा दें इसको. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. राधा एंड श्याम, राधा एंड श्याम
विद द स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर एंड 21 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए ये दोनों निकलते हैं, जिसमें राधा की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, श्याम की 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मीटिंग, मिलन के समय, एट द टाइम ऑफ मीटिंग श्याम हैज ट्रेवल्ड 500 मीटर मोर देन राधा। वैसे राधा नहीं आएगा क्योंकि राधा से ज्यादा नहीं चला, ये इंग्लिश का सवाल है। देन दैट ऑफ राधा, इसका मतलब है जितना राधा ने चली है उससे श्याम ज्यादा चलता है। और ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राधा एंड श्याम, होम कर लीजिए, मतलब इनके घरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके दिलों के बीच की दूरी तो जीरो है राधा और श्याम के। सवाल ये था कि भाई दोनों ने चलना स्टार्ट किया, एक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। मिलने के वक्त क्या हुआ है कि श्याम ने राधा से 500 मीटर ज्यादा चलाया, तो दोनों के घरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगी इनके घरों के बीच की दूरी? देखो, ये राधा और ये श्याम, इनकी चाल 21 किलोमीटर पर आवर है, इनकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। मान लेते हैं यहां पे कहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहां पे मिल रहे हैं तो मिलने का टाइम सेम होगा, भाई दोनों ने 10 बजे स्टार्ट किया, इसने भी 10 बजे स्टार्ट किया, 1 बजे मिलते हैं। मान लेते हैं दोनों ने 3-3 घंटे चला है, तो दोनों का टाइम सेम होगा। अगर दोनों का टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस बाई राधा अपॉन डिस्टेंस बाई श्याम क्या होगा? स्पीड ऑफ राधा बट स्पीड ऑफ श्याम। तो राधा की कितनी है? 15, इसकी 21। ये कितनी ज्यादा चल रहा है इससे? 6 ज्यादा चल रहा है, और 6 की वैल्यू सवाल में 500 मीटर दे रखी। हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल डिस्टेंस जो इसने चली है 15, इसने 21, इसने, इसका मतलब कितनी है वो? 36। 36 की वैल्यू निकालनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 36 कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। आपको कैलकुलेशन भी सीखनी है मुझसे, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी आप जल्दी सवाल कर पाओगे। ये नहीं कि हमने इसको काट दिया, 3×5=15, 3×7=7 की जरूरत ही नहीं है। देखो 6 का गैप है 500 के बराबर, 36 निकालना, 6 से गुणा कर ले, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइम सेम होगा, उस तरीके पे कितने सवाल बन सकते हैं, उस अप्रोच को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। एक तो स्पीड की डेफिनेशन, उसके बाद ये तीन कॉन्सेप्ट जिसमें एक में डिस्टेंस सेम और टाइम सेम, 99% सवाल तो इसी में कवर हो जाएंगे। उसके बाद 1% सवाल जिसमें स्पीड सेम होगी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचता है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, राधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो राधा कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे जल्दी, और एक टाइम एंड वर्क की वीडियो लगभग अपलोड हो चुकी है, उसे आप देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें दिया है। और धीरे धीरे करके हम सारी चीजें सीखेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। और इस संडे एक लाइव सेशन के साथ मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर संडे एक लाइव सेशन के साथ मिलें, जिसमें मैं आपको मिलाऊंगा बहुत सारे टॉपर्स से जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनके 200 out of 200 मार्क्स आए, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, अप्लाई करिए, इसी तरह हम मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। और आप 2 या 3 दिन बाद दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, तो दिवाली सेलिब्रेट करिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।